रात के कुछ 10 बज रहे थे और डेट हो रहा था 18th May 2023, जब मैंने अपने नीट के सेकेंड ड्रॉप के साथ साथ यूट्यूब चैनल शुरू करने का फैसला लिया। उस वक्त मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि ये चैनल चलेगा कि नहीं, बस एक जुनून था अपना पैशन फॉलो करने का। पर मन में एक सवाल बार बार आ रहा था कि कहीं इस वजह से मेरी पढ़ाई का नुकसान तो नहीं होगा, क्योंकि मैं कोई आम एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहा था, मैं प्रिपेयर कर रहा था नीट के लिए, जिसके लिए 100% डेडिकेशन की जरूरत होती है। पर फिर भी मैंने दोनों को साथ में मैनेज करने का डिसाइड करा, बिकॉज आई बिलीव कि क्रिएटिविटी इज सुपर इम्पॉर्टेंट इन लाइफ, बिकॉज इट गिव्स यू अ होल न्यू एक्सपीरियंस, एंड बीइंग अ सेकंड ड्रॉपर आई रियली नीडेड दैट एक्सपीरियंस। तो अगर तुम्हें मेरी तरह एक एवरेज स्टूडेंट हो ना, तो ये वीडियो तुम्हें बहुत ही ज्यादा क्रेजी लगने वाली है, बिकॉज आज मैं अपनी पूरी जर्नी शेयर करने वाला हूँ बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर एंड बीइंग अ नीट एस्पिरेंट, एंड हाउ आई बैलेंस माय लाइफ एंड अचीव माय टारगेट स्कोर। खैर, इसकी भी एक अलग कहानी है जो कि तुम्हें वीडियो में आगे पता लगेगी। सो स्टार्टिंग विद द नीट जर्नी, वैसे तो मैं इस पे एक पूरा वेब सीरीज बना रहा हूँ जिसके 2 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं परीक्षा नाम से मेरे ही चैनल पे। तो अगर तुम्हें एक बढ़िया सा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के साथ एक इंस्पायरिंग नीट जर्नी बहुत ही डिटेल में देखनी है, तो ज़रूर से चेक मार लेना, बहुत मेहनत करके बनाया। उसके अलावा अगर मैं तुम्हें अपनी पूरी जर्नी ब्रीफ में बताऊँ ना, तो क्लास 11th में नीट के बारे में 0 नॉलेज होने के बावजूद मैंने ये एग्जाम देने का डिसाइड करा, क्योंकि मुझे पता था कि नीट देने के बाद तुम MBBS कर सकते हो और डॉक्टर बन सकते हो, और डॉक्टर इतना ज्यादा रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है कि कौन नहीं बनना चाहेगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, मुझे मेरी औकात पता लग गई, और जैसे 11th खत्म हुआ ना, मुझे लगा कि भाई ये तो मेरे बस की बात नहीं है। और फिर मेरे क्लास 12th की जर्नी की शुरुआत हुई थी, जहां पे मैंने डिसाइड कर लिया था कि भाई अब मैं अपने आप को और अंडर एस्टिमेट नहीं करूंगा और इस साल पूरी शिद्दत से प्रिपेयर करूंगा और कोशिश करूंगा कि नीट और बोर्ड्स को मैनेज करके चलूं। जहां पे मैं बोर्ड्स को लगभग मैनेज कर पाया था, क्योंकि मैं बोर्ड में 91% ले आया था, लेकिन नीट में मैं सिर्फ 350 मार्क्स पे अटक गया, और तब मुझे रियलाइज हुआ कि नीट इज नॉट जस्ट एन एग्जाम। फिर मैंने एक ड्रॉप लिया और निकल लिया कोटा के लिए। जी हाँ, ये वही शहर है जिसका नाम सुनते ही लोगों के मन में डिप्रेशन और लोटा नजर आने लगता है। पर मैंने अपना फ्रेंड सर्कल अच्छा बना रखा था और पूरे साल भर बहुत ही शिद्दत से प्रिपरेशन करा, मतलब मैं इतना ज्यादा डेडिकेटेड था कि मेरे पास ना डिप्रेस होने का भी टाइम नहीं होता था। हाँ, टेस्ट में मेरे भी जितने मैं एक्सपेक्ट करता था उतने मार्क्स नहीं आते थे, जिसकी वजह से मुझे बुरा तो लगता था, लेकिन मैं घर आके फ्रेश होता था और अपने टेस्ट को एनालाइज करता था और चुपचाप से अगले टेस्ट की प्रिपरेशन पे लग जाता था। लेकिन क्योंकि उस साल कोविड की वजह से नीट का पेपर ही लेट हुआ था, तो हम ड्रॉपर्स की बैच अगस्त में चालू हुई थी और हमें नीट के लिए प्रिपेयर करने को सिर्फ 9 months थे, जिस वजह से मैं अपने बेस को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया और मेरा बेस उतना अच्छे से क्लियर नहीं हो पाया, बट आई स्टिल ट्राइड माई बेस्ट। लेकिन फिर भी इस बार भी मैं कुछ नंबर से रह गया यार, और जब मैं अपना पेपर चेक कर रहा था ना, मुझे ऐसे लग रहा था यार कि क्या कमी रह गई अभी, मैंने सब कुछ तो दे दिया इस एग्जाम को। पर फिर मैंने अपने पेरेंट्स को ये स्कोर बताया और मेरे पापा ने बोला कि ठीक है यार, कोई बात नहीं, थोड़े नंबर से रह गया, एक साल और ट्राई कर, बिकॉज यहाँ तक पहुँचा है तो अभी पीछे मत हट। और आई अग्रीड, मैं बोला कि चलो कोई बात नहीं, मैं एक साल और ट्राई करूंगा। बट ये डिसीजन जितना इजी साउंड करता है ना, उतना इजी होता नहीं है, बिकॉज फिर से पूरा साल उसी एग्जाम के लिए सेक्रीफाइस करना इज अ बिग डील। बट ये ड्रॉप ईयर पिछले साल की तरह डिप्रेसिंग नहीं होने वाला था, लेकिन हाँ, स्ट्रेसफुल जरूर होने वाला था, बिकॉज इस साल एंट्री होती है हमारे यूट्यूब करियर। बाय द वे, अगर तुम भी नीट एस्पिरेंट हो ना, तो तुम्हें पता होगा कि नीट के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक बुक है, ये ओसवाल की 19 ईयर्स नीट सॉल्व पेपर वाली, और ये मैं तुम्हें रिकमेंड करना चाहूंगा, क्योंकि भाई इसके कुछ ज्यादा ही क्रेजी फीचर्स है। क्योंकि देखो, इसमें ना तुम्हें हर पेपर के डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलेंगे, साथ ही में इस साल का नीट का पेपर भी सॉल्व मिल जाएगा, और जो जो टॉपिक्स अभी आउट ऑफ सिलेबस है उसकी भी मार्किंग दी गई है, प्लस तुम्हें इसमें ट्रेंड एनालिसिस मिल रहा है, ताकि तुम्हें पता रहे कि तुम्हें किस वे में प्रिपरेशन करनी है। और ये 19 सॉल्व पेपर के अलावा तुम्हें 2 प्रैक्टिस पेपर और मिल रहे हैं, मैं ना इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, जरूर से चेक मार लेना, बिकॉज भाई इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो देखो, अब जैसे ही मैं अपने यूट्यूब करियर की बात करता हूँ ना, कुछ लोग के मन में आता है कि हाँ, एक और डिस्ट्रेक्शन पाल लिया, लेकिन मेरे लिए यूट्यूब डिस्ट्रेक्शन नहीं था, मेरे लिए यूट्यूब स्ट्रेंथ था। आई नो तुम्हें ये सुन के हजम नहीं होगी बात, लेकिन यार देखो, द थिंग इज कि यूट्यूब, या फिर मोर स्पेसिफिकली क्रिएशन, वॉज माई पैशन, अ स्ट्रॉन्ग लव टूवर्ड्स डूइंग समथिंग, और यही वो लव था जो मुझे स्ट्रेंथ देता था रोज और हसल करने की। और बस मैंने इसीलिए डिसाइड कर लिया था कि भाई मैं साथ ही में यूट्यूब भी लेके चलूंगा और कैसे भी करके टाइम निकालूंगा और रोज कुछ ना कुछ नया नया सीखूंगा। लेकिन यूट्यूब पे कंटेंट बनाना जितना फन और जितना क्रेजी साउंड करता है ना, उतना भी क्रेजी नहीं होता,
बिकॉज धीरे धीरे ना मुझे थोड़ी सी पॉपुलैरिटी मिलने लगी, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा हेट भी मिलने लगा। लाइक लोग बोलने लग गए कि भाई तू तो 300 भी नहीं ला पाएगा, तू तो पढ़ाई नहीं करता, खाली यूट्यूब पे वीडियो भी बनाता होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसी बहुत सी चीजें सुनने को मिलती। और इस केस में ना लोग बोलते हैं कि भाई इग्नोर कर, लोग तो बोलेंगे ही, बट टू बी ऑनेस्ट नहीं होता यार इग्नोर, बिकॉज मेरे लिए ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था ना। और आई रिमेम्बर कि दिसंबर का टाइम था और मेरा लाइक एकेडमिक परफॉर्मेंस भी उतना अच्छा नहीं चल रहा था, मैं टेस्ट में उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा था, मेरे पे सिलेबस का वर्डन भी बढ़ते जा रहा था, बैकलॉग्स होते जा रहे थे, साथ ही में चैनल की रीच भी गिरती जा रही थी, प्लस मुझे लाइक दिन भर में मैक्सिमम कमेंट्स जो भी आते थे वो सिर्फ हेट कमेंट्स आते, तो वो मेरा लाइक पूरे मेरे नीट प्रिपरेशन का ना सबसे लोवेस्ट फेज था वो। आई वॉज टोटली अलोन, लाइक मेरे पास ना बातें शेयर करने को 20,000 लोग थे लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था, बिकॉज नोबडी गिव्स अ शिट अबाउट व्हाट ऑल थिंग्स यू आर गोइंग थ्रू। और वो कुछ हफ्ते इतने बेकार गए थे ना, जो कि मैंने कभी अपने वीडियोज में डिस्कस ही नहीं करा, बिकॉज यार तुम लोगों के सामने जितना वीक दिखाओगे अपने आप को, लोग तुम्हें उतना ज़्यादा सप्रेस करेंगे। इस वजह से मैं लाइक ये सारी चीज़ें नहीं क्लियर करता था या फिर नहीं बोलता था अपने वीडियो। पर फिर एक पॉइंट बाद मुझे लगा कि नहीं यार, लोग तो क्रिटिसाइज करेंगे ही, और इस वजह से मैं रुक नहीं सकता ना, बिकॉज मैंने एक गोल सेट कर रखा है कि मुझे वहां तक जाना है, तो मुझे कैसे भी करके ये सारे प्रॉब्लम से बाहर आना ही पड़ेगा। और फिर मैंने कुछ टाइम के लिए अपना यूट्यूब स्टूडियो ही डिलीट कर दिया ताकि मैं कमेंट्स ही ना देख पाऊँ और पूरा फोकस अपने टेस्ट और व्लॉग बनाने पे करने लगा। साथ ही में मैंने नंबर ऑफ वीडियोज भी कम कर दिए, काफी ज्यादा वीडियोज में प्री रिकॉर्डेड डालता था जो कि पूरा का पूरा मेरा फ्रेंड ही एडिट करता था। और फिर धीरे धीरे मेरी रीच वापस आने लगी, मुझे लोग इस कम्युनिटी में रिकॉग्नाइज करने लगे, और टू बी ऑनेस्ट आई एम हैप्पी कि मैं उस वक्त अपने उस लोवेस्ट फेज में नहीं रुका, बिकॉज जो चीजें, जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जो रिस्पेक्ट, जो कनेक्शंस मुझे यूट्यूब से मिला, शायद वो मिल ही नहीं पाता कभी। और फिर पूरे साल दोनों जगह मेहनत करके मुझे ये समझ गया कि इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता भाई, अपने को बस कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहना है, चाहे उसकी रिटर्न्स दिखे या ना दिखे। लेकिन किसे पता था कि इस साल भी हसल करने के बावजूद मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो मतलब कि मेरी प्रिपरेशन में कमी रह गई होगी। अब देखो कमी का मुझे नहीं पता, लेकिन आई रियलाइज माय मिस्टेक, और ये गलती से जो मुझे सीख मिली है ना, ये मैं लाइफ लॉन्ग याद रखने वाला हूं। और वो सीख है कि एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड। अब देखो ऐसा होता था कि महाराष्ट्र में हर साल 5 या 10 नंबर से कट ऑफ बढ़ता था ट्रेंड्स के हिसाब से, और इस बार 580 कट ऑफ बना था, तो मैंने सोचा कि चलो ऐसा करता हूँ 600 या 610 का टारगेट लेके चलता हूँ, मुझे अच्छा खासा गवर्नमेंट कॉलेज मिल ही जाएगा। तो मैंने पूरे साल भर एक 600 to 610 का एवरेज स्कोर दिमाग में लेके चल रहा था, और सोचा साथ में अपनी बाकी चीज़ें भी करूँगा, लेकिन किसे पता था कि ये स्कैम वाली चीज़ होगी और गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ 650 चला जाएगा। तो ये मेहनत वाले सवाल का जवाब है पर्सपेक्टिव। भाई ये अब सामने वाले के पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है कि उसे इसे इस वे में देखना है कि भाई इसकी मेहनत में कमी रह गई, या इसने टारगेट छोटा रखा, या फिर जो भी उसे सोचना है। मेरे लिए आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने अपने प्रिपरेशन में कोई भी पॉइंट पे गिव अप नहीं करा, चाहे कितना भी एक्सट्रीम सिचुएशन आए। लेकिन अभी वक्त आ गया था मूव ऑन करने का। रिमेंबर, मूविंग ऑन एंड गिविंग अप आर टू डिफरेंट टर्म्स। अक्सर सोसाइटी इसे एक ही समझ के स्टूडेंट्स पे प्रेशराइज करने लग जाती है कि ए भाई तूने तो गिव अप कर दिया, तू तो कुछ नहीं कर पाएगा, एंड अक्सर मोस्टली पेरेंट्स ही ऐसा टैग लगा देते हैं, इंक्लूडिंग माई पेरेंट्स। बट ठीक है, अभी हमारे हाथ में है कि हम इसे कैसे पॉजिटिवली लेके आगे कुछ ना कुछ अच्छा करें और उन्हें जरूर से प्राउड फील कराएं, और लोगों को ये रियलाइज कराएं कि हमने गिव अप नहीं करा था और ना ही हम गिव अप करेंगे। एंड बाय मूविंग ऑन आई मेंट कि अब मैंने प्राइवेट कॉलेज लेने का फैसला किया है, और इस डिसीजन को लेके मैंने अपने जितने भी सीनियर से डिस्कशन करा, जिनसे मैं मैड क्रिएटर कलेक्टिव इवेंट में मिला था, आई होप तुमने वो वाला ब्लॉग दिखा हो। तो जिन जिन क्रिएटर से मैं मिला था मैंने उन्हें बताया, एंड उन्होंने एक ही चीज़ बोली भाई कि इट डजंट मैटर कि तू प्राइवेट से कर रहा है या किससे कर रहा है, तेरी लाइफ तेरे हाथ में है, इट डिपेंड्स ऑन यू कि तुझे उसे सक्सेसफुल बनाना है या फिर तुझे बस बाकी चीज़ों में उलझे रहना है। एंड टॉकिंग अबाउट द रिजल्ट्स, तुम्हारे भाई को मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ है फिलहाल के लिए, विच इज़ इन यूपी मुजफ्फरनगर नियर टू दिल्ली एंड नोएडा। ओवरऑल ये अच्छा कॉलेज है, टॉप 5 में आता है। बाकी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और थोड़ा बहुत नर्वस भी, क्योंकि एक नई जर्नी चालू होने वाली है भाई अपने लाइफ की। MBBS के बारे में बहुत सारी चीज़ें सुनी है, बहुत सी अच्छी चीज़ें भी सुनी है, बहुत सी बुरी चीज़ें भी सुनी है,
तो लेट्स सी रियल एक्सपीरियंस कैसा रहता है। बाकी वन थिंग इज फॉर श्योर कि कॉलेज जाके भी हसल रुकने नहीं वाला है। कॉलेज में बहुत सारे नेगेटिव एनर्जी वाले लोग भी मिलेंगे, उनसे वन एंड की दूरी मेंटेन करके चलेंगे। उसके अलावा बहुत से अप्स एंड डाउन आने वाले कॉलेज में भी, बट उतना चलता है, लाइक कुछ बड़ा अचीव करना है तो इतना तो भाई मैनेज करना पड़ेगा। और वैसे तो मैंने बहुत से गोल्स डिसाइड कर रखे हैं अपने कॉलेज के लिए, जो कि मैं अपकमिंग वीडियोस में शेयर कर दूंगा। और कॉलेज की लाइक पूरी जर्नी और कॉलेज के बाकी जो भी टूर है वो तो ऑब्वियसली आने वाले अपने चैनल पे, और कुछ अनफिल्टर्ड ब्लॉग्स भी आएंगे मेरे अनऑफिशियल वाले चैनल पे। तो मेक श्योर कि तुम दोनों को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि अपन साथ में अभी एक नए जर्नी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो यू नो वो कनेक्शन मेंटेन रहना चाहिए, है ना। फिलहाल के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप तुम्हें कुछ ना कुछ इंस्पायरिंग लगा होगा इस वीडियो में, लाइक कुछ ना कुछ तो लगा होगा। अगर लगा होगा तो कमेंट कर देना और लाइक कर देना। मैं चलता हूँ, कॉलेज की तैयारी करनी है भाई मेरे को। चलो भाई।